अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चीज किचन। आज मैं आपको छोलों की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। जब भी आपके घर पे गेस्ट आए तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। आइए देखते हैं छोलों की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स। ये हमने आधे किलो छोले लिए हैं जो हमने रात में भिगो के रख दिए थे। नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। ये हमने चाय पत्ती ली है 2 चम्मच जो इसमें हम छोले उबालेंगे, और नमक लिया है स्वाद अनुसार यानी कि 2 चम्मच लिए हमने। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 6 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 लहसुन की गुली ली है जो मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, 2 चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, हरा धनिया लिया है, 3-4 हमने हरी मिर्च ली है। सबसे पहले कुकर में हम छोले उबालेंगे। छोले हमने कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना डालना है जिससे हमारे छोले भीग जाएं। ज़्यादा नहीं डालना और कम भी नहीं डालना, इतना डालना है जो हमारे छोले भीग जाएं। चाय पत्ती और नमक ऐड करेंगे। चाय पत्ती से इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है। कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक उबालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में 1 सीटी आ गई, 2 सीटी भी कुकर में आ गई। लगभग हमें 10 मिनट लगे हैं। गैस फ्लेम बंद कर दिया हमने। हमारे छोले उबल गए हैं। एक बार चेक करेंगे कि छोले गले हैं नहीं गले। देखिए फ्रेंड, छोले अच्छे से गल गए हैं। गैस फ्लेम बंद कर दी हमने। अब हम सभी छोलों को निकाल लेंगे। कलर भी देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। चाय पत्ते से छोले में कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम छोले बनाएंगे। छोले बनाने के लिए हमने 2 कप ऑयल लिया है। ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात डालेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे जो हमने प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक से बनाई थी जो हमने ग्राइंड कर ली थी वो भी ऐड कर दी। इसको चलाएंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 बे लीव्स लिए हैं, 6 हमने लौंग लिए हैं, 10 हमने काली मिर्च ली है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, नमक, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला है, उसको भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी को हम चारों तरफ चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। अब हम ग्रेवी को ढककर भी भुनेंगे जिससे जो हमारा ऑयल है ग्रेवी का वो ऊपर ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भुन गया है। जो मसाला है यानी कि जो ग्रेवी है और जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट हो गया। इसका मतलब हमारा मसाला भुन गया है। इसको एक बार चलाएंगे। अब हम ग्रेवी में छोले ऐड करेंगे जो हमने बॉईल किए थे। छोले और ग्रेवी को मिक्स करेंगे। गैस फ्लेम हमारा मीडियम है। इस तरह से चलाते हुए हम ग्रेवी को और छोलों को मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे जितना हमारे छोले भीग जाए। जैसे मैंने पहले कहा था, बॉईल करते समय छोलों को एक बार चलाएंगे। चलाने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें इसमें पानी की और ज़रूरत है या नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, हमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। हमारा पानी इसमें कम है। इसको एक बार चलाएंगे। 10 मिनट तक अब हम छोलों को ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट्स हो गए, गैस फ्लेम बंद कर देंगे। हमारे छोले बनकर तैयार हैं। एक बार कुकर खोलेंगे, चेक करेंगे कि छोले कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही शानदार छोले बने हैं। अब हम इसमें धनिया और मिर्च ऐड करेंगे, हरी मिर्च जो हमने चॉप कर ली थी। इसको चलाएंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे छोले बने हैं। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।